हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे करिकुलम का नेचर कैसा होता है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि करिकुलम का नेचर कैसा है। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है, एक जो आपको लर्न करनी है, हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपको कनिंगम की। ठीक है, तो हमको इनकी लर्न करनी है। इन्होंने क्या कहा था, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट कौन है, वो टीचर है जिसके हाथ में करिकुलम का टूल होता है। ठीक है, टू मोल्ड हिज मीन्स अपने मटेरियल को ढालना, और वो मटेरियल कौन है, प्यूपिल। टू हिज आइडियल्स, आइडियल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। और इन हिज स्टूडियो मीन्स स्टूडियो क्या है, स्कूल है। सो इन्होंने ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, that is the teacher, to mold his material, that is the pupil, to his ideal, that is the objective, in his studio, that is the school। ठीक है, तो आपको नेचर ऑफ करिकुलम में आपको ये डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसके एक जनरल नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि करिकुलम होता कैसे। तो देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डायनेमिक मीन्स करिकुलम ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया और ये फिक्स हो गया, ये सोसाइटी के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, सेकेंड इज़ इट डिफर्स फ्राम स्कूल टू स्कूल एंड फ्राम चाइल्ड टू चाइल्ड। तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग बच्चे का अपना एक करिकुलम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल में सेम करिकुलम है और सभी चाइल्ड को सेम ही करिकुलम दिया जा रहा है, सबके लिए करिकुलम अलग अलग है। थर्ड इज़ करिकुलम इज़ अ मीन्स टू अचीव सम एंड। देखिए, करिकुलम बनाया क्यों जाता है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ गोल्स और कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसके अचीव हो सकें। ठीक है, तो कुछ अचीव करने के लिए करिकुलम को बनाया जाता है। फोर्थ इज़ इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि बस एक बार करिकुलम बना दिया और ये एक पूरी स्टडी का एक एंड है, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस है जो हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर और पूरा एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो फिफ्थ इज़ इट रिफ्लेक्ट्स एजुकेशनल ट्रेंड्स। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एजुकेशनल ट्रेंड्स, कि एजुकेशन में क्या चल रहा है। ठीक है, सिक्स्थ इज़ इट डिपिक्ट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ। देखिए, करिकुलम क्या डिसाइड करता है कि सबकी अलग अलग अपनी फिलॉसफी क्या है। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है कि फिलॉसफी क्या है इस एजुकेशन की। सेवन्थ इज़ इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। देखिए, अगर कोई स्कूल, कोई एक इंस्टीट्यूशन करिकुलम के हिसाब से चलता है, तो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो भी डेवलप होती है। उसकी जो पर्सनैलिटी, वो बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर एक डेवलपमेंट होता है फुल पर्सनैलिटी का, उसका हारमोनियस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हारमोनियस डेवलपमेंट का होता है का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, एट्थ इज़ करिकुलम रिफर्स टू द इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल नीड्स। तो जो करिकुलम है वो हर चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और सभी के साथ ये चेंज हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल की बात हो गई, किसी एक सोसाइटी या सोशल की बात हो गई, नेशनल की बात होगी, या फिर ग्लोबली मींस इंटरनेशनल नीड्स। ठीक है, तो सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करिकुलम को चेंज किया जा सकता है। नाइन्थ इज़ इट इज़ ड्यूअलिस्टिक इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स द माइंड्स ऑफ द लर्नर एंड इट्स कोर्स कंटेंट। ठीक है, इसका जो ड्यूलिस्टिक नेचर होता है, इसका मतलब है एक तो जो लर्नर्स के माइंड हो गया और जो कोर्स का कंटेंट हो गया। ठीक है, दोनों ही साथ में होते हैं करिकुलम में। टेंथ इज़ इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो करिकुलम होता है, एक अथॉरिटी के एक अथॉरिटी जो सिलेक्टिव होती है वो बनाती है करिकुलम को, कि इस स्कूल का करिकुलम क्या होगा, कि इस सिटी का करिकुलम क्या होगा। जैसे अपना एक सभी स्टेट का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ का है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सभी स्टेट का अलग अलग अथॉरिटी होती है, वही करिकुलम डिसाइड करती है, और उसी के हिसाब से किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन को चलना होता है। इलेवेंथ इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, जो करिकुलम है वो चिल्ड्रन की सभी नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। ठीक है, ये उसी पर ही बेस होता है। ट्वेल्थ इज़ इट इन्वॉल्व्स टू थ्योरीज़, द थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। इसमें दो थ्योरीज़ हैं,
एक तो थ्योरी ऑफ नॉलेज की, ठीक है, जिससे जो स्टूडेंट है उसकी नॉलेज बढ़े और उसकी उसके अंदर वैल्यूज़ क्रिएट हों, ठीक है। 13 इज इट इज़ स्टेटेड इन टू वेज, इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड टीम्स इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटीज़। एक तो जो चिल्ड्रन के पास सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें सब कुछ होता है, और जो उसको एक्टिविटीज़ करानी है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारा कुछ करिकुलम में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो इसके 13 पॉइंट्स थे, ठीक है, ये था नेचर ऑफ करिकुलम। थैंक यू।